इस संसार को भव सागर ही क्यों कहा गया प्रश्न है। संसार को हम तालाब भी कह सकते थे, कुआं भी कह सकते थे, लेकिन इस संसार को भव सागर की ही उपाधि क्यों प्राप्त हुई? आप कभी समुद्र देखे होंगे, आप सब गए भी होंगे। समुद्र का जल देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जब आप दूर से समुद्र का जल देखेंगे तो बड़ा सुंदर आकर्षक लगता है, लेकिन अगर कोई प्यासा व्यक्ति पहली बार उस समुद्र के जल को देखे तो उसके मन में एक इच्छा प्रकट होगी, जब जल देखने में इतना सुंदर है तो पीने में कितना सुंदर होगा। अगर वह व्यक्ति जैसे ही उस समुद्र के जल को पिएगा तो देखने में जितना सुंदर था पीने में वो स्वाद उसको प्राप्त नहीं होगा। पीने में समुद्र का जो जल है वो कड़वा कड़वा नमकीन सा आपको प्रतीत होगा। वो समुद्र का जल देखने में सुंदर है लेकिन पीने में सुंदर नहीं है। वो समुद्र के जल से आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। भावार्थ आप समझ ही गए होंगे। ये संसार भी उसी समुद्र के भांति देखने में बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन जब संसार के अंदर आप प्रवेश करेंगे, इसके सच्चाई को जानेंगे, इस संसार के निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे, संसार के उस मूल तत्व को जानेंगे, तो इस संसार में मात्र एक ही वस्तु दिखाई देगा, वो है परमात्मा। अगर परमात्मा को पकड़ लिया तो पार हो गए, अगर परमात्मा को भूल गए तो डूब जाओगे। परमात्मा को स्वीकार करना, परमात्मा का स्मरण करना, ईश्वर का चिंतन करना, ये जीवन इसी पे टिका हुआ है।